Good morning, grade 3. How are you all? I hope you all are fine. Today's our topic is fraction, chapter number 9. Min buys 3 bell peppers. Min ne 3 bell peppers liye hain. One out of the 3 bell peppers is yellow. Unme se ek jo hai wo yellow hai. 3 me se 1 yellow hai. We say that 1 over 3 of the bell pepper is yellow. हम ये कह सकते हैं कि 1 over total 3 है ना, 3 में से 1 जो है वो yellow है. 1 over 3 इसको हम बोल सकते हैं. 1 over 3 of 3 is 1. 1 over 3 of का मतलब यहाँ पर maths में होता है multiply. 1 over 3 multiply by 3 is equal to 1. Rita buys 9 bell peppers. Rita ने 9 bell peppers लिए हैं. She divides them into 3 equal groups और उसने उसको 3 equal groups में divide कर दिया है. 1 out of 3 groups of the bell pepper is yellow. 1 over 1 out of 3 मतलब के 1 जो है उसमें से 1 over 3 जो है 1 over 3 वो येलो है. 1 over 3 multiply by 9 is equal to 3. 1 over 3 multiply by 9 is equal to 3. And we say that 1 over 3 of the bell peppers are yellow. इसमें से 3 bell peppers जो हैं वो उसके येलो हैं. 1 over 3 multiply by 9. 3 1 are 3. 3 3 are 9. 3 को जब हम 1 से multiply करेंगे तो 3 answer आ जाएगा. मतलब हमारे पास it means के 3 जो बेल पेपर्स हैं वो येलो हैं. एंटर. यूनिट फ्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज. अब जब हमने यूनिट फ्रैक्शन करनी है ना, यूनिट फ्रैक्शन ऑफ क्वांटिटीज को हम देखेंगे अभी. 1 ओवर 6 ऑफ 48. अब मैंने आपको बताया कि ऑफ का मतलब यहां पर मल्टीप्लाई होता है. डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय 6. 48 डिवाइडेड बाय 6. 6 8s are 48. 8 multiplied by 1 is equal to 8. So we circle 8 units. 1, 2, 3, 4, 5. 8 units. Fraction of quantities. Ab fraction ko humne yahan pe humne dekha unit fraction. Unit fraction matlab 1 over 6 multiplied by 48. Ab yahan hum kya dekh rahe hain, fraction of quantities. Isme koi bhi fraction ho sakti hai. Yahan unit thi. Unit means 1. 1 hi yahan par rehna tha aur yahan par aapki different fractions ho sakte hain. 3 over 4 of 48 is divided by the denominator multiply the numerator. जो denominator है उससे divide करेंगे. 48 divided by 4 is equal to 12 and 3 से multiply कर देंगे. 12 multiply by 3 is equal to 36. Fraction of quantities. Fraction of quantities में हम देखेंगे 3 over 4 of 48 of का mean यहाँ पर multiply है. 3 over 4 multiply by 48. 48 को हम denominator से divide कर देंगे. 48 divided by 4 is equal to 12. Divide multiply the numerator और इसको जो हमारे पास 12 answer आया है ना, इसको हम multiply कर देंगे 3 से. ठीक है, 12 multiply by 3 is equal to 36. Finding fraction of amounts. आप different amounts के fraction कैसे find कर सकते हैं? To find the fraction of an amount, किसी भी fraction के amount find करने के लिए you need to divide your number by the denominator. आपने अपने number को denominator से divide कर देना है. Then multiply your answer by the numerator. और जो answer आपका आएगा उसको आपने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है. इस नंबर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. 72 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 12. नेक्स्ट आई नीड टू मल्टीप्लाई माय आंसर बाय द न्यूमिनेटर. अब यहां पर आपके पास आंसर क्या है? 12. 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 24. 2 ओवर 6 ऑफ 72 इज देयरफॉर 24. पेज नंबर 79. क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन द मिसिंग नंबर्स. हमें मिसिंग नंबर्स से को फिल अप करना है. ब्लैंक्स को, मिसिंग जो ब्लैंक्स हमें गिवन है इस पे आपने मिसिंग नंबर्स को राइट करना है. ए पार्ट इज व्हाट इज 5 ओवर 6 ऑफ 42. 42 का हमें 5 ओवर 6 फाइंड करना है.
सिक्स यूनिट्स ऑफ 42, यहाँ फर्स्ट वाली में राइट कर दोगे 42, वन यूनिट ऑफ 42 डिवाइडेड बाय 6। अभी मैंने आपको प्रीवियस उस क्वेश्चंस में बताया कि आपने क्या करना होता है, आपने अपने नंबर को सिक्स जो डिनोमिनेटर होता है उससे डिवाइड करना होता है और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। 42 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 7 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 35। 5 ओवर 6 ऑफ 42 इज 35। बी पार्ट इज व्हाट इज 7 ओवर 9 ऑफ 108। 108 का आपने 7 ओवर 9 फाइंड करना है, 9 यूनिट्स ऑफ 108। यहाँ आपने क्या राइट कर देना है 108, 1 यूनिट ऑफ 108 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 12 एंड नाउ वी मल्टीप्लाई और आंसर 12 विद 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 84, 7 ओवर 9 ऑफ 108 इज 84। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपने यूनिट वाले मेथड से फाइंड करनी है, 1 ओवर 4 ऑफ 16, 1 ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 16, 4 4s आर 16 एंड 4 1s आर 4। The answer is 4. 3 over 5 of 25 is equal to 15. 15 ये कैसे आएगा? 3 over 5 multiply by 25. 5 ones are 5, 5 fives are 25 होता है. Now we multiply our answer with numerator. 5 multiply by 3 is equal to 15. By itself we have to do part C and D. And the question number 6 is filling the missing numbers. यहाँ आपको क्या करना है? Missing numbers को fill up करना है. 1 over 3 of 24। अब आपने देखना है कि यहाँ पे किस नंबर से हम कौन सा नंबर ऐसा है जो कि हमारे पास आंसर जो है इन दोनों का सेम हो। 3 8 जार 24 होता है, यहाँ हमारे पास 8 1 जार 8 आ रहा है और यहाँ हम क्या लेंगे 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 10 ऑफ 80। यहाँ 80 लोगे ना 10 8 जार 80 हो जाएगा और 8 1 जार 8। नाउ 8 इज इक्वल टू 8, हमारे पास दोनों साइड्स पे इक्वल के 8 आंसर आ रहा है। इसी तरह से आपने बी पार्ट करना है। आई होप यू पीपल गॉट इट। इफ यू गेट एनी कन्फ्यूजन सो लेट मी नाउ एंड नाउ यू पीपल सिट विद योर मदर्स एंड डू पेज नंबर 79। डू इट वेरी केयरफुली। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।